आइसक्रीम तो आप सबने में बहुत खाई होगी, लेकिन आज मैं आपको ऐसी आइसक्रीम दिखा रही हूँ जो कि रोल पे तैयार होती है। जी हाँ, वैसे ये मैं बात कर रही हूँ रोलर आइसक्रीम की। वैसे तो हमारे भारत में रोलर आइसक्रीम काफ़ी पुराना चला रहा है, लेकिन कुछ दिनों से ये काफ़ी ट्रेंड में है। कोई भी शादी पार्टी हो, कुछ भी हो, हर जगह आपको रोलर आइसक्रीम जरूर दी जाएगी। हमारी दिल्ली में भी इसके बहुत से शॉप खुल गए। तो चलिए आज मैं आपको इसकी पूरी फुल वीडियो दिखाती हूँ, पूरी फुल मेकिंग मैं इसकी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इतने जो बर्फ के बड़े बड़े सिल्ली टुकड़े किए जा रहे हैं, इसको इस रोलर में पूरा डाला जाता है। इसकी लेयरिंग तैयार होती है, एक बार नमक, एक बार फिर ये बर्फ़, इसको डाल के अच्छी तरह से इसको टाइट करके कस दिया जाता है। और इस रोलर को जब ठंडा हो जाता है, इसके ऊपर ये राबड़ी डाली जाती है। जी हाँ, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी राबड़ी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी फ्रूट्स डाले जाते हैं, ये सारे फ्रूट्स से तैयार होते हैं, और फ्रूट्स डाले जाते हैं सारे फ्रेश और हेल्दी होते हैं। तो समझ गए ना कि ये आइसक्रीम जितनी टेस्टी है उतनी हेल्दी भी है। सारे ताज़े फ्रूट्स बनते हैं, तैयार किए जाते हैं, और आपके सामने ही ये आइसक्रीम तैयार की जाती है। ये देखने में बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, अब ये हमारा ये मैंगो जा रहा है, मैंगो पल्प से पूरी तरह राबड़ी, फिर उसके बाद कोई फ्रूट, फिर राबड़ी, फिर फ्रूट। ये देखिए, सारे लेयर बाय लेयर सब तैयार कर उठे। ये है वाटरमेलन, इसको भी डाल दिया गया। अब इसके बाद ये देखिए भैया, बनाना डाल रहे हैं, अनार को पूरा क्रश करके डाल दिया। ये देखिए, अब हमारा पाइनएप्पल भी जा रहा है, तो सारे फ्रूट्स का टेस्ट भी आएगा और ताज़ी ताज़ी रहेगी भी। और देखिए, ये पूरी बन के तैयार हो गई। ये इसमें चॉकलेट भी डाले हैं, और ये है इसमें नई फ्रूट सारी डाल रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, इसके ऊपर से अब इन्होंने अनार का जूस डाल दिया, मैंगो जूस डाल दिया, जिसकी लेयरिंग हो गई है। बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लग रही थी, जिसकी एक प्लेट की कीमत है 70 रुपये। क्या आपने कभी भी ये रोलर आइसक्रीम ट्राई किया है? कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।